हेलो एवरीवन, दिस इज मंदीप सिंह शेखावत और आज हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन कोर्स। ये कोर्स का सारा कंटेंट हिंदी में रहने वाला है, सारे के सारे वीडियोस हिंदी में आएंगे। हम स्टार्ट करेंगे आज पहले वीडियो से जहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज सिस्टम डिज़ाइन। तो ऐसे हम स्टार्टिंग में काफ़ी बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है, उससे रिलेटेड और क्या क्या कंसेप्ट होते हैं वो सारे वीडियोज़ में हम कवर करेंगे और फिर हम धीरे धीरे मूव करेंगे टुवार्ड्स द एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जहां पे हम समझेंगे पहले तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं और फाइनली हम देखेंगे कि अगर आपको कोई रियल लाइफ सिस्टम डिजाइन करना है, जैसे अमेज़न है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी आपको एडवांस सिस्टम डिजाइन करना है तो कौन सी बातें आप ध्यान में रखोगे ताकि आपका सिस्टम फुल प्रूफ बने, काफी स्केलेबल बने। जो भी आपको प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम डिजाइन के रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके आपका जो ट्रैफिक सर्व करने चाहिए वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। अब हम ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोर्स काम में किसके आ सकता है। अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट और आपको बेसिक फाउंडेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है सिस्टम डिजाइन के लिए तो ये कोर्स आपके काम में आएगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके सिस्टम डिजाइन अगर आप अभी अभी एक्सप्लोर करना शुरू किया है या फिर आपको पहले से आता है और आपको और एडवांस कंसेप्ट सीखने हैं या फिर जो आपको ऑलरेडी कंसेप्ट आते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करना है और क्लियर करना है तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन शॉर्ट, अगर कोई भी इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो ये कोर्स उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ, इस इंट्रोडक्शन के साथ हम यार स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो की तरफ जिसमें हम समझ रहे होंगे व्हाट इज सिस्टम डिजाइन। अगर आपसे पूछता है कोई कि सिस्टम डिजाइन बोलते किसको है, क्या होता है सिस्टम डिजाइन, तो उसको आप कैसे आंसर करोगे? आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि सिस्टम डिजाइन बोलते किसको है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। एक और बात, जो भी अपने इस कोर्स के दौरान जो भी कंटेंट रहेगा, मतलब रिसोर्सेज रहेंगे या फिर कुछ डायग्राम्स हम बना रहे होंगे, तो वो सारे के सारे मैं अपने गिटहब रेपो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। गेट अहेड विथ मी वो रेपो है अपना, उसके अंदर और भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जो मैं अपने वीडियोज के थ्रू ऐड करता रहता हूँ। उसी में एक आपको सिस्टम डिज़ाइन का फोल्डर मिल जाएगा जिसमें ये बाकी के रिसोर्सेज मैं ऐड करता रहूँगा जैसे जैसे अपने वीडियो बन रहे हैं। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो उसको बुक मार्क कर लो। काफ़ी ज़रूरी रिसोर्सेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसके अंदर जो आपको हेल्प करेंगे टू परस्यू योर ड्रीम जर्नी। इसके साथ ही हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। तो अगर हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं तो सिस्टम डिज़ाइन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक आपका सिस्टम है, दूसरा है आपका डिज़ाइन। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, जैसे अमेज़न एक सिस्टम है, फेसबुक एक सिस्टम है। फिर जब हम सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर और छोटे छोटे सिस्टम्स हो सकते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें तो उसमें फेसबुक मैसेंजर है, फेसबुक मार्केट प्लेस है, फेसबुक जो एड्स दिखाता है वो अलग चीज़ है, फेसबुक के ऊपर फीड चलती है, सोशल मीडिया जो हम यूज़ करते हैं वो अलग चीज़ है। तो ऐसे काफ़ी छोटे छोटे सिस्टम्स उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये है अपना सिस्टम। अब ये जो अपना सिस्टम है इसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे सर्वर है, डेटाबेसिस है, लोड बैलेंसर है, और इन सब कंपोनेंट्स को मिला के बनता है आपका एक सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डिज़ाइन। जब हम हाई लेवल टर्म्स में बात करते हैं डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन इज बेसिकली कि आपका सिस्टम काम कैसे कर रहा है, जो आपने डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स डिफाइन कर रखे हैं उसकी वर्किंग कैसे है, वो अपने यूजर्स को कैसे सर्व कर रहा है, जो भी आपका यूज केस है, जैसे फेसबुक कोई यूज केस सॉल्व कर रहा है तो वो कैसे डिज़ाइन है ताकि वो यूज केस चल रहा है, सॉल्व हो रहा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं सिस्टम्स की तो ऐसा हो सकता है कि यार सिस्टम्स के कंपोनेंट सेम हो, जैसे कौन सा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, कौन सा डेटा स्टोर यूज़ हो रखा है, पर जो डिज़ाइन है वो वेरी करेगी। जैसे मैंने बताया कि कौन सा वो यूज़ केस सॉल्व कर रहा है, तो फेसबुक कोई और यूज़ केस सॉल्व कर रहा है, अमेज़न कोई और यूज़ केस सॉल्व कर रहा है। तो जो कॉम्पोनेंट्स हमने अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं कि वो सेम कॉम्पोनेंट्स है, पर जो उनका इंट्रैक्शन है वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस द डिज़ाइन इज सॉल्विंग। अब आपको सिस्टम समझ में आ गया है कि सिस्टम क्या होता है, आपको डिज़ाइन समझ में आ गया है कि डिज़ाइन क्या होता है। अब जब हम बात करें सिस्टम डिज़ाइन की तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है। सिस्टम डिज़ाइन इंक्लूड्स एवरीथिंग कि आपका जो आर्किटेक्चर है, वो जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है वो कैसा है, आपके जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो कौन सी है, आपकी जो डेटा स्टोरेज है वो किस टाइप का यूज़ करोगे आप और कितनी आपके डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स है, फिर आपका जो सिस्टम है वो कितना स्केलेबल होना चाहिए, मतलब कितनी ट्रैफिक आपका सिस्टम सॉल्व कर रखा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी व्हाइल यू आर टेकिंग केयर ऑफ सिस्टम डिज़ाइन।
और एक बार आपका जब सिस्टम डिज़ाइन फाइनल हो जाता है कि हाँ यार ये मेरा सिस्टम है, मेरे को ये सिस्टम बनाना है, इसका ये डिज़ाइन हमने फाइनल कर दिया है, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली बिल्डिंग द सिस्टम। डिज़ाइन फाइनल होने से पहले कभी सिस्टम नहीं बनता। एक बार आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच कि ऐसे अपना सिस्टम बनेगा। अब अभी जो हमने ये जो डिस्कस किया है कि सिस्टम ये होता है, डिज़ाइन ये होता है, सिस्टम डिज़ाइन हम इसको बोलते हैं, इसको हम एक अपने नॉर्मल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यार आपको क्या करना है, आपको अपना एक नया घर बनाना है, तो आपको क्या मतलब सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे? आपको मैंने बोला कि आपको अपना घर बनाना है, या फिर आपने खुद सोचा, मेरे बोलने से आप नहीं बनाने वाले अपना घर, तो आपने खुद सोचा कि आप मेरे को मेरा घर बनाना है, मेरे को मेरा खुद का घर बनाना है, तो सबसे पहले तो हम फिगर आउट करेंगे कि यार कहाँ घर बनेगा, स्पेस चाहिए हमें, तो वो अपनी पहली रिक्वायरमेंट है। एक बार आपके पास स्पेस आ गया, मतलब सारा काम हो गया, अपने पास स्पेस आ गया, फिर हम डिसाइड करेंगे कि अपना घर कैसा बनेगा, मतलब हमें एक फ्लोर चाहिए, दो फ्लोर चाहिए, फिर हम एक फ्लोर बना रहे हैं उसमें कमरे कितने चाहिए, किचन कहाँ होगा, अगर दो फ्लोर बन रहे हैं तो जो दो फ्लोर है उनमें सीढ़ियाँ कहाँ बनेगी, कैसे उनमें जो हम बात कर रहे थे ना कि कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन हमें देखना है, डिज़ाइन के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंट्रैक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे आपके जो दो फ्लोर बनाए, एक ग्राउंड फ्लोर बना, एक फर्स्ट फ्लोर बना, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है। एक बार आपका घर बन जाता है फिर आप मतलब देखते हो आपकी जो इंटीरियर डिज़ाइन की हम बात करते हैं कि कैसे आपका जो भी सामान है आप कहाँ रखोगे, तो उसको अगर हम सिस्टम से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपका जो आता है वो डेटा आता है कि आप अपना डेटा कैसे स्टोर करोगे, डेटा किस फॉर्म में स्टोर करोगे, कौन सा डेटा कहाँ पे होगा। हमने कहा कि एक कमरे में ये सामान आएगा, दूसरे बेडरूम में ये सामान आएगा, और मतलब जो भी आपने रूम्स आपके हैं इसमें ये सामान आपका डिफाइन हो गया। वैसे ही आपके सिस्टम के अंदर अलग अलग डेटा स्टोर हो सकते हैं, जैसे मेरा डायनेमो डीबी है, माई सीक्वल है, तो मेरा कैश है, तो इन तीन की हम बात करें, इनमें कौन सा डेटा स्टोर होगा, कौन कैसे किस टाइप से एक्सेस होगा, तो ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे आपका घर और कैसे आपका एक जो सिस्टम है, जो फेसबुक की हम बात कर रहे थे सिस्टम की, दोनों काफ़ी सिमिलर है, दोनों में हमें सेम काम करना है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, फिर हमें डिज़ाइन फाइनलाइज करना है, एक बार हमें डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया फिर हमें काम करना है अपने सिस्टम बनाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन हम किसको बोलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम आने वाले वीडियोस में और एग्जांपल्स लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लेंगे, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा सिस्टम डिज़ाइन क्या है, और इसके और बेसिक कंसेप्ट से लेके हम एडवांस कंसेप्ट में मूव करेंगे। तो अपनी जो ये प्लेलिस्ट है सिस्टम डिज़ाइन विद एमएस दीप, इसमें वीडियोज ऐड होते रहेंगे, आप अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय।